हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्नोशाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो को अतरंगी बना सकते हो। अतरंगी का मतलब ये है कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर रखा है। ये है OBS स्टूडियो 31.1.2 यानी OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा OBS स्टूडियो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारे बटन्स हैं थोड़े उभरे उभरे दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसका लुक काफी अच्छा बन जाता है। साथ ही साथ ऑडियो मिक्सर में यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारा स्लाइडिंग बटन होता है, ये बटन भी एक उभरा उभरा बटन बन गया है, यानी ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ सोर्सेज में आप देख सकते हो जो यहाँ पर लॉक का बटन है, लॉक का बटन रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यानी जब हम इसे लॉक कर देते हैं ये रेड में दिखाई देगा और जब इसे अनलॉक करते हैं तो व्हाइट में दिखाई देगा। जबकि जो हमारा नॉर्मल OBS स्टूडियो का लुक होता है उसमें ये रेड कलर में शो नहीं होता है। इसके अलावा जब आप इसे स्टूडियो मोड में ऑन करोगे, यहाँ पर मैं स्टूडियो मोड ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्रीव्यू ग्रीन कलर में यहाँ पर शो हो रहा है, प्रोग्राम कैमरा हमारा यहाँ पर रेड कलर में शो हो रहा है। जैसा कि वीमिक्स के अंदर आपने देखा होगा, तो इस तरह काफी अट्रैक्टिव लुक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रांजिशंस में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये बटन उभरे हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो इसका TVR है, TVR भी अलग लुक में आ गया है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल OBS स्टूडियो होता है वो कैसा दिखाई देता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे अपने नए लुक में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है हमारा नॉर्मल OBS। यहाँ पर जो बटन्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल प्लेन आ रहे हैं। जब मैं बटन के ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ कोई भी कलर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मिक्सर में आप देखोगे तो मिक्सर में भी जो स्लाइडिंग बटन है ये बिल्कुल नॉर्मल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आपके सोर्सेज हैं, इसमें जो लॉक का बटन आ रहा है ये वाइट कलर में आ रहा है। इसके अलावा जब हम नॉर्मल OBS में जब स्टूडियो मोड ऑन करते हैं तो आप देखो बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडियो मोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नॉर्मल OBS स्टूडियो है इसमें आपको बिल्कुल सिंपल लुक देखने को मिल रहा है, और जो इसका TVR है वो भी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस OBS स्टूडियो को नया लुक देने वाले हैं, अतरंगी लुक देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप OBS स्टूडियो की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एक थीम हमें दिखाई दे रही है, प्रोडक्शन प्रो थीम। इस थीम को हमें अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो डाउनलोड का बटन आ रहा है, सिंपल हमें डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो एक छोटी सी जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक फोल्डर डाउनलोड हो चुका है, इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसे। फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल रही हैं, इन सारी फाइल्स को हमें कॉपी कर लेना है। तो सबको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हमें अपने लैपटॉप की सी ड्राइव पर जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम दिस PC पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सी ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें जाना है प्रोग्राम फाइल्स पर, प्रोग्राम फाइल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें इसमें सर्च करना है OBS स्टूडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमें OBS स्टूडियो का एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बिन का फोल्डर दिख रहा है, डेटा का फोल्डर दिख रहा है, OBS प्लगइन का फोल्डर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें डेटा पर क्लिक कर देना है, इसे ओपन करेंगे और उसके बाद इस डेटा फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा OBS प्लगइन और OBS स्क्रिप्टिंग और OBS स्टूडियो। तो सबसे नीचे वाला जो OBS स्टूडियो वाला फोल्डर है इस पर हमें डबल क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर आपको एक थीम का फोल्डर दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं एक थीम्स का फोल्डर है, इसे ओपन कर लीजिए। अब उसके बाद जो हमने अभी कॉपी किया था, जो फोल्डर डाउनलोड किया था उसके कंटेंट को हमने कॉपी किया था, उसे सिंपल हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो बस सिंपल आपको इतना सा ही करना था, हमारी थीम हमारी प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद इसे बंद करेंगे और OBS स्टूडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने अपने OBS स्टूडियो को दोबारा से ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे OBS स्टूडियो का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हमारी थीम, हमारा जो प्लगइन था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको इसे चेक भी करा देता हूँ। सेटिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, अपीयरेंस पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो अपीयरेंस में हमारी थीम दिखाई दे रही है, प्रोडक्शन प्रो थीम यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा जो डिफॉल्ट थीम होती है वो है यमी। तो अब हमारा पहले तो जो नॉर्मल OBS होता है उसमें केवल यमी थीम ही आपको दिखाई देती है, लेकिन अब यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन प्रो थीम भी यहाँ पर दिखाई देने लगी है। तो स्टाइल यहाँ पर आ रहा है, स्टाइल आपको कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक फ्लैट डार्क, ओरिजिनल डार्क और यमी कलर्स इस तरह का ऑप्शन आता है। इनमें से जो भी आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ओरिजिनल डार्क यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा फॉन्ट साइज भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो इसके फॉन्ट साइजेस को चेंज करना, कम करना, ज़्यादा करना, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी जो फॉन्ट साइज है वो 10 है, इसे आप यहाँ से बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा डेंसिटी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको क्लासिक रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, नॉर्मल रखना है, जिस तरह का आप रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। आप यहाँ पर इन सबको चेंज कर करके देख सकते हो, जो लुक आपको ज़्यादा बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसे डिफॉल्ट में ही रखा है, मैं इसे ओके कर देता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हो जो हमारे OBS स्टूडियो का लुक था बिल्कुल चेंज हो गया है, OBS स्टूडियो अतरंगी बन चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे बटन्स इस तरह से चेंज हो चुके हैं। अब कर्सर हम यहां पर लेके जा रहे हैं तो इसका कलर यहां पर चेंज हो रहा है। इसके अलावा यहां ऑडियो मिक्सर में आप देखोगे तो यहां पर जो स्लाइडिंग बार था वो भी चेंज हो चुका है। तो यहां पर जो लॉक का बटन था वो रेड कलर में हो चुका है, और जब हम इसे स्टूडियो मोड में ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो स्टूडियो मोड में हमारा ये भी यहां पर चेंज हो गया है। तो यहां पर ये ग्रीन कलर में आ रहा है, ये रेड कलर में आ रहा है। यहां पर जो टी बार है वो भी अलग टाइप का हो गया है, काफी अच्छा लुक यहां पर मिल रहा है और बिल्कुल वीमिक्स जैसा लुक आपको यहां देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने OBS स्टूडियो को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो, अतरंगी बना सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।